हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सिंह परिहार अन्नपूर्णास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिलीशियस और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू की रेसिपी। गणेश चतुर्थी आ रही है तो बप्पा के लिए, भोग के लिए कुछ तो बनाना ही है, तो मैंने इस बार लड्डू बनाए हैं बेसन के। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लड्डू कितने स्वादिष्ट हैं, मैं इनमें से एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितने सॉफ्ट हैं और डिलीशियस भी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 2 कटोरी के करीब घी डाल दिया है। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से। 3.5 कटोरी के करीब मैंने बेसन ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। अगर फ्रेंड्स हम चलाएंगे नहीं तो नीचे से कलर, बेसन के लड्डू का जो बेसन का कलर है वो बहुत जलने जैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा, गैस की फ्लेम लो मीडियम रखिएगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बेसन के लड्डू का जो मिश्रण है वो गैस पर भुंज रहा है। और इसमें मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब दूध डाल दिया है। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि बेसन में हल्के हल्के से दाने आने लगते हैं और बेसन के लड्डू जो हैं वो मुंह में चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने मोटा बेसन नहीं लिया था, ना ही मैंने उसको पहले भिगोया था। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। तो जब तक कलर उनका अच्छा है तब तक आप ब्राउन होने तक इसको भूंजते रहिएगा। और ये देखिए कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब मैं इसे नीचे उतार लूँगी, कढ़ाई गर्म है, और तब तक मैं इसे भूंजती रहूँगी, चलाती रहूँगी इसको करछी से, ताकि ये ठंडा होने तक नीचे से जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। और देखिए अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, बड़े बर्तन में। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए मैं इसे रख दूँगी एक तरफ। तो चलिए साइड में इसे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैं मिश्री ले रही हूँ, शुगर नहीं ले रही हूँ। शुगर सिर्फ एक हल्की सी स्वीटनेस के लिए ले रही हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ 4 चम्मच शुगर ले रही हूँ और 2 कटोरी मिश्री लिए मैंने, धागे वाली मिश्री हैं। तो ये देखिए काफ़ी हेल्दी होती हैं, इनको मैंने पीस लिया है, बारीक पाउडर कर लिया है। और अब हम अपना मिश्रण भी देख लेते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया और आपको दाने भी अच्छे से दिख रहे हैं इसमें। तो मिश्री हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, क्योंकि मीठा जो है लड्डू में वो आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो मिश्री का पाउडर है उसको डाल दिया है और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मिक्स हो रहा है और जो हमारी प्लेट में थोड़ा पाउडर बच गया है हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा मीठा खपता है। तो पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिया था, ये जो मैंने 2 कटोरी इसमें लिया था, एकदम परफेक्ट मीठा बना था, ना ज़्यादा ना कम। तो आप ये इस हिसाब से भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो शक्कर अकेली भी यूज़ कर सकते हैं अगर मिश्री नहीं है तो, बट ये मैं बच्चों के लिए और हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग भी खा सकें उनके हिसाब से भी बना रही हूँ। मैंने 1 चम्मच, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम इसके लड्डू बनाकर देखते हैं। पर इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद, क्योंकि देखना है कि इसमें मिश्री के लम्स तो नहीं हैं छोटे छोटे से, तो ये देखिए मैं एक पोर्शन थोड़ा सा लेके लड्डू बना रही हूँ। पर अच्छा सा शेप हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि घी हल्का सा गर्म है अभी। तो इसको मैं कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से ठंडा हो गया और मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। तो कितने अच्छे और झटपट लड्डू बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितना गोल गोल शेप आया है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं, अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैं लड्डू की प्लेटिंग कर रही हूँ और पिस्ता को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, एकदम बारीक बारीक। तो उससे हम इन्हें गार्निश कर देंगे। तो आप लोग अपने घर में बनाइए, सबको खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। लाइक तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को
फुल वॉच कीजिए किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल प्रेस करेंगे तो मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे जल्दी ही हमारी अगली रेसिपी में। मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।